आफ्टरनून, मुबारक को, बढ़िया स्क्रीन नजर आ रही है भसीन सर। गुड आफ्टरनून आशीष जी, बिल्कुल मार्केट रिलेंटलेस है और जो आपने कहा कि द इवेंट प्लेड आउट और अब शॉर्ट कवरिंग स्ट्रोक वैल्यू बाइंग है, बट आई थिंक दिस इज मोर ऑफ लेफ्ट आउट फीलिंग, सो यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। द इंडेक्स मे बी यू नो इट इज गेटिंग क्लोजर टू द फुल प्राइस, यू कैन ऑलवेज हैव एक्सुबरेंस एक्सटेंडिंग फॉर सम टाइम, दैट इज नॉट, और लिक्विडिटी है, इंडिया इज इन अ बेटर शेप। आपको अपडेट दे दूं, कोल इंडिया, ग्रासिम, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी चारों आउट परफॉर्मर है। कल आपको मैंने था बैन पीरियड में है, लेकिन इंडिया पुल डिलीवरी लेके रखो, अभी भी बैन में है, लेकिन 250 का भाव आ जाएगा, 210-12 था दो दिन पहले जो कहा था, आज 230 हो गया। इंडिया पुल इज गोइंग टू हेड फॉर 250 एंड 275। उसके सामने सेल था श्री सीमेंट, वो भी नेगेटिव ही है, तो अब दो बायस हैं, दोनों मुझे लगता है यहां से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर, तो पहला होएगा जैसे कोल इंडिया, और आपने कोल प्राइसेस देखी है, गैस प्राइसेस आर वेरी स्ट्रांग, और मुझे गैस में कोई दो राय नहीं कि गेल विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। 51-51.5 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 47.50, दिस इज हेडेड टू 160। द अदर बाय वुड बी माय फेवरेट बैंक, बिकॉज आई थिंक फेडरल बैंक विल कम आउट विद स्टैंड आउट नंबर्स इन द मिड कैप, इट विल बी एन आउट परफॉर्मर। 81-81.5 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 78.25, दिस इज हेडेड टू 88। बढ़िया तरीका है, जो स्टॉक्स फंडामेंटली पसंद आ रहे हैं, भसीन सर रह रहे के इन स्टॉक्स को रिहाइड्रेट करते रहते हैं, फंडामेंटल्स अच्छे, सेटअप बढ़िया, तो एक बढ़िया पोजिशनल ट्रेड भी बन जाता है, ये अच्छा है।